हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिए मैं दूध को अच्छी तरह से उबाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी मावा गुल्फी बनानी है, इसलिए मैं इस दूध को उबाल रही हूँ और इसे मावा गुल्फी में बनाऊंगी। देखिए दोस्तों, ये एकदम से 2.5 किलो दूध था, ये रबड़े जैसा हो गया है क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि प्लीज़ आप होममेड आइसक्रीम है, गुल्फी है, वो भी आप बनाइए। तो मैं उसी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए एकदम रबड़े जैसा हो गया है दूध, कट कट के देखिए, इसके अंदर इसकी मलाई भी मिक्स है। देखिए तो ठंडा होने के बाद में मैं बिटर से इसको एकदम एक जैसा कर लूँगी। ये देखिए एकदम रबड़ी के जैसा हो गया है दूध। देखिए 2.5 किलो दूध का मैंने ये निकाला है, गाढ़ा किया है कुल्फी के लिए। ये देखो एकदम गाढ़ा। अब इसके अंदर मेरे को आधा कटोरी ये चीनी का जो बूरा होता है पिसी हुई, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। देखिए और फिर इसको ठंडा होने के लिए मैं रख देती हूँ और फिर एक जार में या जो भी बर्तन है उसमें डाल के मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी और फिर इसकी हम गुल्फी बनाएंगे। देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा। ये देखिए एकदम गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। फिर सारे के सारे इसको जो गाढ़ा बनाया है लिक्विड जैसा दूध का, इसको फिर मेरे को अंदर फ्रीजर में रख देना है। फिर इनकी गुल्फी और आइसक्रीम बनानी है क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि होममेड गुल्फी आइसक्रीम भी प्लीज़ बनाइए। इसलिए देखिए 2.5 किलो दूध का, ये 1 किलो से भी थोड़ा कम ही लगता है, इतना गाढ़ा हो गया है। देखिए बहुत खुशबू आ रही है, बहुत मस्त बनेगी। ये येलो इसलिए दिखता है क्योंकि गाय का दूध है, इसलिए ये पीला पीला दिख रहा है। मैंने अभी इसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ चीनी का बूरा ही डाला है, बाकी की सब चीज़ें बाद में इसमें डलेगी। देखिए एकदम से ठंडा हो गया है, अरे गाढ़ा गाढ़ा हो गया है दूध एकदम। इसकी रबड़ी कुल्फी बनाऊँगी मैं। अब इसको मैं दूसरे बर्तन में रख के और बिटर से एकदम एक जैसा, क्योंकि देखिए इसके अंदर थोड़े ये रवे जैसे लम्ब जैसे बने हुए हैं, तो बिटर से इसको एकदम से एक जैसा कर लूँगी मैं और फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फिर आगे की प्रतिक्रिया फिर हम करेंगे। देखिए देखिए इसकी मलाई भी इसके अंदर ही है सारी की सारी, बहुत अच्छी। तो अभी बिटर से मैं इसको एक जैसा कर लेती हूँ। ये अब इसको बिटर से अच्छी तरह से मैश कर लूँगी तो इसके अंदर जो लम्स जैसे बन गए सारे के सारे। ये देखिए एकदम से सारे लम्स इसके गायब हो गए हैं। देखिए मावा जो उसकी रबड़ी बनाई थी जब इसके अंदर वो थोड़े जो रह जाते हैं लम्स जैसे, अभी एकदम इकसार हो गई है। देखिए अब इसको मैं अपनी फ्रिज के अंदर रख दूँगी जमने के लिए और उसके बाद में इसकी गुल्फियाँ है, रबड़ी गुल्फी है, आइसक्रीम है, वो सब बनाएंगे। देखिए इसमें बाहर की कुछ भी चीज़ मैंने ऐड नहीं करी है, नहीं तो मैंने इसमें दूध का पाउडर ऐड किया है। ये प्योर दूध का रबड़ी है, इसकी गुल्फी बनानी है। देखिए इसको मैंने फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया है और इसको अब मैं अपनी फ्रिज में रख दूँगी। ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है जमने के लिए और फिर दूसरे दिन मैं इसको देखूँगी कि इसका क्या हाल है, कैसे जमा है। ये देखिए हमारा ये जो
रबड़ी जैसा दूध बनाया था, गाढ़ा हो गया। एक बार फिर मैं इसको बीटर से अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ तो इसके लम्स है वो सारे चले जाए। ये देखिए हमारा एकदम से एक जैसा हो गया है। ये देखिए एकदम सारा मिक्स हो गया है। अब इसको अलग अलग फ्लेवर देंगे हम। ये देखिए गुलफी बनाने के लिए मैंने खस का शरबत लिया, गुलाब का लिया है, इलायची दाना और ये मिक्स ड्राई फ्रूट। अब इस सब की एक गुल्फी का पोट है, इसमें मैं गुल्फी बनाऊंगी। देखिए सबसे पहले खस की मैं तैयार करती हूँ। देखिए अलग अलग गुल्फी में बनाऊंगी। देखिए ये देखिए लाइट ग्रीन जैसा हो गया है। देखो और इसमें थोड़ा मैं ऐड करूंगी ड्राई फ्रूट। ये देखिए इसके अंदर हम फुल अप कर देते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इलायची दाना इसमें डालना है और थोड़ा सा इसमें ड्राई फ्रूट और फिर इसको अच्छी तरह से भर देना। देखिए ये मैं गुल्फिया बना रही हूँ। देखिए जी ये वाली खस की गुल्फी है, खस की और ड्राई फ्रूट की, और इसमें रख देनी है हमें स्टिक। ये देखिए और नंबर दूसरा आया आप गुलाब का। ये देखिए इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए इसमें रोज का शरबत मैंने मिक्स किया है। अच्छी तरह से रोज शरबत को मिक्स कर लेंगे। देखिए इसका कलर आएगा रेड। ये देखिए और फिर इसमें वंस में ड्राई फ्रूट। देखिए और फिर इसके अंदर हमें इलायची दाना थोड़ा सा और फिर इसको इसके अंदर डाल देना है। ये देखिए ये हुआ गुलाब और गुलाब शरबत और रबड़ी की गुल्फी, और इसके अंदर भी एक स्टिक लगा देनी है। ये देखिए थोड़ा सा बाहर आ गया है, ज़्यादा फुल हो गया है, कोई बात नहीं। ये देखिए देखिए मेरे को इसमें बनानी है ड्राई फ्रूट ऐड करके कुल्फी।
शेष में ड्राई फ्रूट डालेंगे और इसमें साथ में थोड़ी सी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। देखिए और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अलग अलग टाइप की अलग अलग कुल्फियाँ मेरे को बनानी है। देखिए इसमें थोड़ा सा इलायची दाना ऐड करना है। इसको भी अच्छी तरह से ये देखिए मस्त और यम्मी बनेगी। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। देखिए ये दो ड्राई फ्रूट मिक्स की हुई गुल्फियाँ हैं हमारी और ये दो एकदम से प्लेन बना रही हूँ मैं जो रबड़ी की होती है। इसमें थोड़ा सा बस इलायची दाना ऐड करना है हमें। ये देखिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और फिर इसके अंदर जो गाढ़ा दूध है रबड़ी जैसा ये देखिए इसको अंदर डाल देना है। ये डाल देना है ये देखिए। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें ये देखो। देखिए हमारी कुल्फी जमने के लिए तैयार हो गई है। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और फिर पाँच से छः घंटे में हमारी कुल्फी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने फ्रिज में मेरी ये कुल्फी रख दी है और 5 से 6 घंटे रखूंगी और फिर मैं इनको निकाल दूंगी। हमारी कुल्फी तैयार हो जाएगी। ये देखो अब हमारी कुल्फ़ी तैयार हो गई है। इसको मैंने रात को फ्रीजर में रखा था तो एकदम जम गई है। चलो तो हम इसको इसके अंदर से निकाल लेते हैं। देखो एकदम से अच्छी तरह से ये जम गई है। अलग अलग फ्लेवर की मैंने बनाई है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारी गुल्फियाँ बनके तैयार हो गई है। देखिए ये देखिए सबकी सभी ये तैयार हो गई है। इसके ढक्कन मैंने ऊपर से सारे निकाले हैं। एक दो के बाकी हैं वो भी मैं निकाल लेती हूँ। इस प्रकार ये हमारी गुल्फियाँ ये देखिए ये रोज़ फ्लेवर वाली है और ड्राई फ्रूट है इलायची है उसमें प्लेन भी मैंने बनाई है। तो मार्केट की जो गुल्फियाँ हैं वो भूल जाओगे बिल्कुल भी। मतलब इतनी ये टेस्टी तैयार हुई है। देखिए खाने के लिए हमारी ये तैयार है। ये देखिए ये देखो कितनी मस्त जमी है गुल्फी एकदम अच्छी। ये देखो अलग अलग फ्लेवर की ये देखो सब रेडी है। ये देखिए ये हमारी गुल्फियाँ तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा तो आप जब रियल बना के खाओगे तो उसका स्वाद अलग ही होता है घर की गुल्फी का। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।